हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद पैशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही सिंपल एंड इजी है और जिसका नाम है तहरी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तहरी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल की ज़रूरत होगी। मैंने पुलाव वाला चावल लिया है, इसको आधा घंटा मैंने भिगो के रख दिया है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, बट जो भी चावल हो पुराना होना चाहिए, उससे तहरी अच्छी बनती है। और उसको कम से कम आधा घंटा धुल के आप रख दीजिए, जिससे कि चावल खिला खिला बनेगा। और मैंने इस कटोरी से एक कटोरी चावल लिया है, और उसमें डालने के लिए मैंने सोयाबीन लिया है, इसको भी मैंने भिगा लिया है। और उसके बाद सब्जी में मैंने लिया है आलू, टमाटर, प्याज, तीन हरी मिर्च, हरा धनिया थोड़ा सा, और अदरक लहसुन को मैंने इस तरह से कूट लिया है। आप सब्जियाँ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें आप हरी मटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो सब्जी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो चीज़ें देख रहे हैं, ये तड़का के लिए है। मैंने लिया है काली सरसों, हींग, जीरा, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, दो से तीन लौंग, और मैंने दो चम्मच लिया है चने की दाल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम न्यूट्रीला को फ्राई कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी ऑयल खाते हैं उसको यूज कर लीजिए। न्यूट्रीला फ्राई करने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे न्यूट्रीला फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल के अलग रख देंगे। तो अब चलिए तहरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद सरसों के दाने डाल देंगे। जब सरसों के दाने अच्छे से चटक जाएंगे, तब इसमें हम खड़े मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी डाल देंगे, तेज़पत्ता, और फिर लास्ट में हम डालेंगे चने की दाल। जब चने की दाल हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद हम साथ में आलू डाल देंगे कि आलू भी फ्राई होता रहे। हरी मिर्च उसी समय हम डाल देंगे, और आलू और प्याज को फ्राई हो जाने के बाद हम टमाटर डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर हम कुकर के ढक्कन को ऐसे ही बंद कर देंगे, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम अदरक लहसुन को, जो हमने कूटा था, उसको डाल लेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद मसाले में हम बेसिक मसाले डालेंगे जो सब्जी में पड़ती हैं, बाकी और बहुत कुछ नहीं है। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, सॉरी 1.5 चम्मच मैंने डाला है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, तहरी में जो मैंने चने की दाल डाली है, वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। उसकी क्रंची बाइट जब आता है मुँह में ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है वो। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तब इसमें हम न्यूट्रीला डाल के मिलाएंगे। उसके बाद चावल को भी इसी समय डाल के हम अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करेंगे। चावल को मैंने आधा घंटा पहले धुल दिया था, जिससे कि अब एकदम ये भरभरा हो गया है, इसका पानी एकदम सूख गया है। फ्राई करने में ये सही रहता है, और बनने के बाद भी ये खिला खिला बनेगा। चावल डाल के इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे मसालों के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी हम उसी बर्तन से डालेंगे जिस बर्तन से हमने चावल नापा था, उसका 1.25 गुना। मैंने जिस कटोरी से चावल डाला है, उसी कटोरी से 1.25 कटोरी पानी मैंने डाला है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद लास्ट में हम हरा धनिया डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। उसके बाद तहरी बहुत ही अच्छी बनेगी। और फ्रेंड्स, 1 सीटी लगाने को मैंने कुकर को ठंडा कर लिया है। अब मैंने इसको खोला है, आप देख सकते हैं
तैरी देखने में कितनी यम्मी लग रही है। और इसका चावल आप देखिए एकदम खिला खिला है। अभी ठंडा होने के बाद इसका चावल और भी एकदम खिला खिला हो जाएगा। अभी ये गर्म है, इसको हल्का हल्का मैं से चला देंगे कि ये ठंडी हो जाए। और इसमें चने की दाल आप देख सकते हैं, खाने में जब ये मुँह में इसकी क्रंची बाइट आता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे तहरी की मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये अभी बहुत ठंडी नहीं हुई है, अभी ये गर्म ही है, देख सकते हैं इसमें से अभी भाप निकल रहा है। तो मैं इसे इस तरह से बाउल में निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये तहरी बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आपको कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं करे और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। और इस पर मैं थोड़ा सा और ऊपर से हरा धनिया डाल रही हूँ गार्निश के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। और उसके साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।